फ्रेंड, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई टैक। आज फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी जेन्युइन ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने ही मोबाइल से घर बैठे ही अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक रुपए नहीं लगेगा। मैंने एक चीज देखी है कि बहुत से लोग सब्सक्राइबर वॉच टाइम खरीद लेते हैं, यानी कि पैसे देकर के चैनल को मोनिटाइज करवा लेते हैं। अब मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद ही ऐसे प्रमोशन करती हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि मैं प्रमोशन क्यों करती हूँ। आज के टाइम पे यूट्यूब पर सभी लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो हमें भी कुछ पैसे मिलते हैं प्रमोशन के, इसके लिए मैं करती हूँ। लेकिन बता दीजिए कि उस वीडियो के अलावा जो प्रमोशन वाला वीडियो, उस दिन मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आप पैसे दे करके खरीद लीजिए या मोनेटाइज करवा लीजिए, लेकिन उसके अलावा आपने कभी भी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि आप पैसे दे करके चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए। मुझसे कई लोग मिलने आते हैं, घर पे ही आ जाते हैं मिलने, मुझसे सजेशन मांगते हैं या मैसेज करते हैं कि मैम आपने बोला था तो क्या हम पैसे दे के चैनल को मोनेटाइज करवा लें। मैं साफ साफ शब्दों में मना कर देती हूँ कि मत करवाइए, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज पर विश्वास करती हूँ कि मेहनत करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं माफी चाहती हूँ, जब मैं ऐसे प्रमोशन वीडियो बनाती हूँ तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि जो पैसा आप दूसरों को दे करके खर्च करने वाले हैं, थोड़ा सा आप स्मार्टली वर्क करें, थोड़ा सा, तो आप घर बैठे ही अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसी वॉच टाइम के दौरान आपकी चैनल बूस्ट भी कर जाएगी और वीडियो वायरल भी हो जाएंगी। बस ध्यान से इस वीडियो को समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप खुद कहेंगे वीडियो पूरा देखने के बाद कि हाँ रक्षा, सच में आपने बढ़िया ट्रिक बताई है, हम खामो खा के इतने परेशान हो रहे थे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए भाई, देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको व्यवस्था करनी है कम से कम 5, 6 या 7 मोबाइल की। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे 5, 6, 7 मोबाइल मिलना कोई बड़ी बात है। मैं अपनी ही कहूं तो मेरे पास कम से कम 4 मोबाइल है, सिर्फ मेरे पास। अब मेरे हस्बैंड का ले लो, उनके पास 2 हैं, मम्मी का, पापा का, और एक एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। मेरे यहाँ पे 10 मोबाइल है टोटल। ठीक, तो चलिए मेरी बात अलग है, आपके घर पे हो सकता 5 ही मोबाइल हो, लेकिन होंगे इतने जरूर। नहीं है तो आप व्यवस्था कर लीजिए, रोज किसी का मोबाइल ले लिया करिए 1 घंटे के लिए इस तरीके से। ठीक, कुछ दिन मेहनत करना है बस। अब आप कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, अपनी वीडियो देख के ही पूरे 4000 घंटे का वॉच टाइम करना है। यहाँ पर एक लॉजिक समझिए, जब हम पैसे देकर चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, क्या वो लोग अनलिमिटेड कहाँ से लाते हैं इतना वॉच टाइम? उनकी एक टीम होती है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वहीं से वो आपकी वीडियो को देख देख के वॉच टाइम पूरा करवा देते हैं। तो क्यों दूसरों को पैसे दे के बर्बाद करना, वो काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, और हम जिस तरीके से करेंगे ना उस तरीके से हमारी चैनल भी बूस्ट हो जाएगी। तो वही ट्रिक मैं बता रही हूँ। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पर घर पर व्यवस्था कर ली 6-7 मोबाइल की, सभी मोबाइल से कम 10 मेल आईडी बना लीजिए। जैसे आपका एक मोबाइल है, आप कम से कम 10 मेल आईडी बना लीजिए। मेल आईडी बनाना बिल्कुल फ्री होता है और एक मेल आईडी को बनाने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। ठीक, आपने अलग अलग मेल आईडी बना के तैयार कर ली एक मोबाइल से। अब मान के चलिए आपने 6 मोबाइल लिए तो 10-10 मेल आईडी बनाई तो टोटल आपके पास कितनी हो गई, 60 मेल आईडी। ठीक है, 60 हो गई, 60। अब आपने करना क्या है कि एक वीडियो, थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी है, सिर्फ एक वीडियो में आपको एक वीडियो कम से कम आधा घंटे की बनानी है। जैसे आप कुकिंग वीडियो बनाते हो तो एक वीडियो में आप कम से कम 2 या 3 रेसिपी डाल दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू, एक खत्म हुई दूसरी खत्म, क्योंकि एक कुकिंग वीडियो आप चाहे तो आराम से 13, 14, 15 मिनट की बना सकते हो। मेरी वीडियो देख लीजिए, कभी भी 8 मिनट के नीचे तो होती नहीं है, 13 मिनट 14 मिनट ऐसे रहती है, मैं चाहूँ तो और लंबी खींच दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुकिंग वीडियो का मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप किसी भी कैटेगरी पे बना रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग चला लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए कि मैं इस वीडियो को लेंदी कैसे करूँ। नहीं बन रहा तो उसी में आप दूसरा ज्वाइंट कर दीजिए, एक और कर दीजिए। ठीक है, अंदर 2-3 रेसिपी इकट्ठी ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से कम आधा घंटे की वीडियो आप बना लीजिए। अब आपने करना क्या है, पहले आपने अपना एक मोबाइल लेना है, जरूरी नहीं है आप सब साथ में ही मोबाइल लो, जैसा मिल जाए आपको, आपने पहले एक मोबाइल लेना है। तो आपने जो वीडियो बड़ी लेंथी डाली है, आप समझ लीजिए उसी वीडियो से आपका पूरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा, आपने एक मोबाइल लिया,
उस वीडियो को खोला जो आपने डाली है, ठीक, सर्च करके भी खोल सकते हैं या मेल के थ्रू शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे जैसे करना हो शेयर कर दीजिए। उस वीडियो को खोला और खोल के बस मोबाइल रख दीजिए, चलने दीजिए उसको, पूरा आधा घंटे तक चलने दीजिए। बीच में ये गलती मत करना कि आप बैक हो जाओ या आपने दूसरी वीडियो ऑन कर ली, तो फिर क्या होगा, आप मान के चलिए आपने खोला आप बैक हो गए तो वो एक व्यूज काउंट हो गया और उस व्यूज का वॉच टाइम कम हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, एक व्यूज दिखाना है यूट्यूब को कि एक बंदे ने खोला और पूरी की पूरी आपको वीडियो को देख लेना है पूरी 30 मिनट तक एक आईडी से। जब पूरी 30 मिनट तक देख ले फिर आपको उसी वीडियो को दूसरी आईडी से देखना है, फिर तीसरी आईडी से देखना है। देखिए शुरुआत में मेहनत तो करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको लग रहा हो रक्षा इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, टाइम कुछ नहीं जाना, आप तो चालू करके रख दीजिए अपना दूसरा काम करते रहिए, बट आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिर्फ स्टार्टिंग की मेहनत है केवल चैनल खुलवाने की। इस तरीके से आपने एक मोबाइल से वो 30-30 मिनट की वीडियो कम से कम 10 बार देख ली तो आपके 300 घंटे होगा, ठीक। इसी तरीके से आप दूसरा मोबाइल ले लीजिए, मम्मी का ले लीजिए, फिर पापा का ले लीजिए, उससे भी आप 300 घंटे तक देख सकते हैं आराम से। तो ये स्टेप पूरे दिन आप आराम से 3-4 घंटे में इस तरीके से हो जाएगा। जरूरी नहीं है 30 मिनट की बनाए, 20 मिनट की भी बना सकते हो। तो इस तरीके से रोज आना कि आराम से आपके 40-50 घंटे या उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप 15-20 दिन तक कंटिन्यूली करेंगे तो ये तो सिर्फ आप अपने वीडियो देख देख के ही वॉच टाइम पूरा कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर वॉच टाइम रह भी गया तो जब आप ये चीज करेंगे, रोजाना करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसमें से कोई ना कोई वीडियो बूस्ट ना करे, बूस्ट करेगी तो जो आम पब्लिक है जो नॉर्मल लोग हैं वो भी आपके वीडियो को बीच बीच में देख लेंगे। जब आप एक ही मोबाइल से बार बार 10 बार उस वीडियो को देखी जाएगी अलग अलग आईडी से तो वही यूट्यूब बूस्ट कराने लगेगा आपके वीडियो को, और जो नए लोग हैं जो नए व्यूवर्स हैं वो भी आपके बीच बीच में वीडियो को देख लेंगे तो उनका भी वॉच टाइम उसमें ऐड हो जाएगा और वहीं के वहीं आपको सब्सक्राइबर भी मिलने लगेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने 17-18 या 20 हजार रुपए खर्च किए चैनल को मोनेटाइज करवाने में, इतना आराम से लग जाता है पूरी चैनल मोनेटाइज, तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो ना, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल से कर सकते हो केवल फैमिली वालों के मोबाइल लेकर के। तो 15 दिन तक ये मेहनत कर लीजिए, 15 दिन में आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी। एक ही वीडियो से करिएगा तो ये वीडियो लेंदी होगी तो बहुत अच्छा वॉच टाइम उससे मिल जाएगा, मतलब इतनी लंबी वीडियो आप बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि वॉच टाइम भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से घर बैठे ही आप अपने घर के मेंबर के मोबाइल से वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, और जिनको आप पैसे दे के ये काम करवाते हैं वो भी सेम यही करते हैं, उन्होंने 10 कंप्यूटर रख लिए, 10 कंप्यूटर में 10-10 मेल आईडी बना ली, पहले एक मेल आईडी से आपकी पूरी खोली वीडियो देख ली, फिर दूसरे से देख ली, मतलब वो देखते नहीं है सिर्फ चला के छोड़ देते हैं। तो वही काम आपको करना है घर बैठे, जो पैसा आप दूसरों को खर्च कर रहे हैं वो घर पे थोड़ी सी मेहनत करके आप कर सकते हैं, पैसा एक भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ नेट जाएगा तो नेट तो वैसे सभी के मोबाइल में रहता ही रहता है। तो आप इस ट्रिक से बहुत अच्छा खासा वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब रोना मत रोइए कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब में सब्सक्राइबर मिलना तो आसान है लेकिन वॉच टाइम पूरा करना बहुत कठिन है। सब्सक्राइबर जैसे मान के चलिए आपका वॉच टाइम हो गया, सब्सक्राइबर के लिए आप इंस्टा पर कुकिंग वाले या अपनी कैटेगरी के लोगों को फॉलो करके उनसे चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं, लेकिन जिससे भी चैनल सब्सक्राइब कराएं वो उसी कैटेगरी का होना चाहिए, उसी में इंटरेस्टेड होना चाहिए। इस तरीके से आप सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं, इस पर मैंने फुल वीडियो बनाया है मेरी टैग चैनल पर, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने हैं। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ कवर किया है कि वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि वॉच टाइम का रोना सभी का बहुत रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वॉच टाइम तो है नहीं, बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से 15-20 दिन में आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, चैनल को मोनेटाइज भी करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। YouTube बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा कि आपने क्यों ऐसा किया, ऐसा है YouTube के सिस्टम में है, ऐसा कुछ नहीं है कि YouTube ये मना नहीं करता है कि आप अलग अलग मेल आईडी से देख रहे हैं तो ये इलीगल है या उनके खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज, एक गलती आपको नहीं करनी है कि जिस मेल आईडी से आप अपनी चैनल बनाए हुए हैं उससे आपको अपनी वीडियो को वॉच नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आप सभी मेल आईडी से अपने वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करा के चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।